नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता है एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित श्री रामविलास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल कॉलेज सोनखर में आरंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी छात्र छात्राओं ने तरह तरह की कला को प्रस्तुत किया। जहाँ विद्यालय से परीक्षा पास कर जाने वाले छात्राओं का विदाई और नए छात्रों का स्वागत के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं ने तरह तरह की कला को प्रस्तुत किया और कार्यक्रम में फर्स्ट सेकंड थर्ड कला प्रस्तुत करने वाले छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एमडी डॉक्टर विमल द्विवेदी ने बताया कि जेएनएम और एनएम जो फर्स्ट बैच के आए हैं उनको इस विद्यालय परिवार में शामिल करना है और जो थर्ड ईयर और फाइनल बच्चे पास आउट होकर जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देनी थी और प्रेरित करना था ताकि आगे कैसे काम करना है। वही विद्यालय की प्रधानाचार्य जूही शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है अगले वर्ष और नए लोगों के साथ इससे भी अच्छा कार्यक्रम किया जाएगा। यहां प्रतिवर्ष पुराने बैच की विदाई और नए बैच का स्वागत इसी तरह कार्यक्रम के तहत किया जाता है। धन्यवाद जो हमारे कैंपस में आप आए, आपने अपना समय दिया और हमारे इस फंक्शन को हमने जो आरंभ नाम से है इस फंक्शन को हमने हमारे टीचर्स के द्वारा हमारे एमडी और सर और मैम के गाइडेंस में हमने पूरा किया है, जिसकी मेन श्रेय जाता है और बच्चों के लिए ही हम सारे फंक्शंस को आयोजित करते हैं। तो आप लोग का धन्यवाद। होपफुली हम अगले साल भी इस चीज़ को आयोजित करेंगे और इससे बेहतर तरीके से करेंगे, नई थीम के साथ में करेंगे, नए फंक्शंस के साथ में करेंगे। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए क्या प्रतिवर्ष कार्यक्रम यहाँ किया जाता है? प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है, ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। हर साल हम नए बैच का स्वागत और पुराने बैच को विदा करते हैं इसी तरह खुशहाली के साथ में, तो ये हर साल होगा और मैं चाहूँगी कि हर साल आप लोग भी आएँ और हमारे साथ में इस फंक्शन को। का मूल उद्देश्य क्या था, इससे बच्चों को क्या सीख देना चाहिए? इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था जो हमारे यहाँ नए बच्चे जेएनएम और एएनएम के आए हैं फ्रेश बैच के, उनको हम इंट्रोड्यूस करना था और उनको अपने इस जो हमारा विद्यालय परिवार है उसमें उनको शामिल करना था और जो थर्ड ईयर के बच्चे और जो फाइनल ईयर के बच्चे पास आउट होकर के जा रहे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देनी थी, उनको बहुत बहुत जो है उनको प्रेरित करना था हमें कि आप फील्ड में जाओगे तो कैसे काम करोगे।